close till I get up. Time is barely on our side. Okay, so guys, welcome again in another new video. So guys, Nairi character एकदम से OP ability और ability भाई एकदम से अलग unique जो कि अभी आप देखने वाले हो and एकदम देखने के बाद आपको कि भाई क्या होगा मतलब Skyler character का क्या होगा देखते हैं भाई scene क्या है लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम upgrade करेंगे इसको highest level क्योंकि highest level अगर upgrade नहीं गए थे तो इसकी ability पता नहीं चलेगा लेकिन हम 5 लेवल ही करेंगे क्योंकि 5 लेवल 6 लेवल में ज्यादा फर्क नहीं है बट 5 लेवल में इतना तो है कि भाई आप समझ जाओगे कि कैरेक्टर की एबिलिटी क्या है मतलब इस वीडियो में हम यहां पे लाइव यूज करने वाले हैं इस नैरी कैरेक्टर को ठीक है तो नैरी कैरेक्टर को मतलब एकदम से देखते हैं एबिलिटी क्या है लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक चीज बता देना चाहता हूं ठीक है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ये तो मैं रोज ही बोल देता हूं लेकिन यहां पर सिंपल सीन है कि तुम्हारे भाई ने एक न्यू चैनल बनाया है फैक्ट के लिए और उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है सभी लोग ज्वाइन कर लो मतलब सब्सक्राइब कर लो अगर उस पे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं मैंने बहुत पहले भी बोला था जब भी कंप्लीट होगा तभी मैं वहां पे गिव अवे करूंगा और वहां पे गिव अवे मतलब ओपी सीन ठीक है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद ओके तो यहां पे अपने पास आ चुका है नैरी कैरेक्टर एंड नैरी कैरेक्टर भाई एकदम अलग सीन है तो सबसे पहले यहां पे हमने ग्लोबल को चिपकाया एंड यहां पे इसकी दो एबिलिटी है तो दोनों एबिलिटी देख कर जाना ठीक है तो यहां पे देखो जैसे मैंने फायर किया भाई ग्लोबल पे क्या आ रहा है मतलब अलग सा इसको प्रोटेक्ट मिल रहा है मतलब एक अलग सा भाई शैडो बन रहा है जो कि इस ग्लोबल को बचा रहा है अरे मान लो कि ग्लोबल को आप तोड़ देते हो एकदम से भाई मतलब मान लो कि डैमेज कर देते हो ठीक है अभी डैमेज नहीं हो रहा है मैं अभी डैमेज भी करने वाला हूं इस ग्लोबल को लगातार फाइटिंग करना है हमें तो यानी ग्लोबल को तो बचाया जा रहा है मतलब भाई इस कैरेक्टर के द्वारा लेकिन यहां पे इसका रिकवर पॉइंट भी काफी ओपी है कैसे मैं आपको बताता हूं देखो यहां पे मान लो कि मैंने पूरे तोड़ दिए थे फिर से ये पहले जैसा हो गया मतलब यहां पे देखो रिकवर हो रहा है मतलब ग्लोबल रिकवर हो रहा है भाई कुछ भी भाई गरेना मतलब अलग सीन है देखो अगर इस साइड से भी फायरिंग करोगे इस साइड से मैंने फायरिंग करने के बाद मैं जब इस साइड जाता हूं तो फिर से हमें वही चीज देखने को मिलता है और ये रिकवर कर देता है ग्लोबल को तो ये है नैरी की फर्स्ट एबिलिटी आप बोलोगे फैक्टो यहां पे सेकंड एबिलिटी क्या है मैं बताऊंगा कि नैरी इंटरेस्टिंग तो दिखा भाई मतलब अलग ही सीन है ठीक है तो भाई ग्लोबल वाले भाई सब के लिए अलग सीन होने वाला है एंड आप बताना कि मैं स्काइलर वर्सेस नैरी कैरेक्टर यहां पे वर्सेस करूं बिकॉज़ मुझे तोड़ना है मतलब स्काइलर से इस ग्लोबल को तोड़ना है जिसको नैरी ग्लोबल लगाएगा मतलब नैरी जो ग्लोबल लगाता है उसमें प्रोटेक्ट होता है ठीक है तो उस ग्लोबल को तोड़ना है तो मैं स्काइलर वर्सेस नैरी वर्सेस करूं या ना करूं मैं कंफ्यूज हूं अगर आप लोग का डिमांड होगा तो मैं कर दूंगा ठीक है वर्सेस वीडियो आ जाएगा देखिए यूनिक वीडियो आएगा ठीक है तो यहां पे मैं आप सभी को बता दूं देखो इस टाइम मतलब सेकंड जो एबिलिटी है किसी भी एयर एमओ से आप ग्लोबल को फास्ट तोड़ सकते हो ठीक है कंपेयर टू वहां पे कितने परसेंट थे 25-26% थे हाईएस्ट 25% साथ हाईएस्ट थे बट यहां पे देखो अभी मैंने नैरी कैरेक्टर से ग्लोबल लगाया तो मुझे तोड़ने में बहुत टाइम लग रहा है बिकॉज नैरी ग्लोबल को रिकवर कर देता है लेकिन यहां पे अगर मैं यहां पे मतलब कोई हमारा एनिमी लगा था जिसके बाद नैरी कैरेक्टर नहीं है तो हम उस ग्लोबल को आसानी से तोड़ सकते हैं बट देखो यहां पे एयर एमओ में मैंने तोड़ा है फिर भी ये रिकवर दे रहा है मतलब अलग सीन ठीक है तो यहां पे दूसरी एबिलिटी है फर्स्ट एबिलिटी है कि ये ग्लोबल को रिकवर कर देता है दूसरी एबिलिटी है कि एयर एमओ वाले जितने भी वेपन है उससे आप ग्लोबल फास्ट तोड़ सकते हो तो दो एबिलिटी इस वेपन के साथ आता है उसी के साथ साथ यहां पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है स्काइलर वर्सेस नैरी चाहिए या नहीं चाहिए नीचे कमेंट कर सकते हो वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर